रिलायंस ग्रुप के ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में एक बात जो लोग नहीं जानते, अनिल अंबानी की नई स्ट्रेटेजी पूरी गेम बदलने वाली है। रिलायंस ग्रुप के मास्टरमाइंड अनिल अंबानी अब कुछ बड़ा करने वाले हैं। वेलकम टू रिलायंस ग्रुप कॉरपोरेट सेंटर यानी RGCC। ये एक दमदार हब है जो उनके बिजनेस को पूरी तरह बदल देगा। सबसे बड़ी खबर, रिलायंस इंफ्रा और रिलायंस पावर अब पूरी तरह कर्ज मुक्त है। इससे अब कंपनी और भी आगे बढ़ेगी और नए नए आइडियाज पर काम कर पाएगी। सोचो कितनी संभावनाएं हैं। RGCC सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक सेंटर नहीं है, ये तो भविष्य की ग्रोथ का दिल है जो नए लीडर्स तैयार करेगा। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर से पुनीत गर्ग और रिलायंस पावर से के राजा गोपाल जैसे एक्सपीरियंसड लोग इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। ये सब प्लानिंग अब रंग ला रही है। पिछले क्वार्टर में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने ₹480 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। पिछले साल के लॉस के बाद ये बहुत बड़ी बात है। रिलायंस पावर ने भी ₹215 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। मार्केट में तो चर्चा ही छिड़ गई है। RGCC के साथ रिलायंस ग्रुप टेक्नोलॉजी और एनर्जी सेक्टर में बहुत आगे बढ़ने वाला है। ये बदलाव इनोवेशन, लीडरशिप और बढ़िया ग्रोथ के बारे में है। अनिल अंबानी का विजन साफ है, एक कर्ज मुक्त आगे की सोचने वाला रिलायंस ग्रुप जो नए मौकों का फायदा उठाएगा। देखते रहिए क्योंकि ये तो बस शुरुआत है। रिलायंस ग्रुप आगे बढ़ रहा है और भविष्य बहुत अच्छा दिख रहा है।